Yo, I'm going to do a book review of Kamala Markandeya's Nectar in a Sieve. मैं कुछ चीज़ें प्रोमाइज कर दूँ पहले. नंबर वन, दिस बुक इज सेट इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया व्हेन हंगर, माइग्रेशन एंड लाइवलीहुड वर द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स आर कंट्री मैन फेस्ड. एंड एज आई सेड इन द प्रीवियस वीडियो ऑफ बुक रिकमेंडेशंस फॉर द मंथ ऑफ नवंबर, कि कमला मार्कंडेय इज अ पायनियर अमंग इंडियन राइटर्स. इसका रिव्यू बताता हूँ मैं. नाउ यू नो आई नोन अबाउट गुलाग आर्किपेलेगो, जो जॉर्डन पीटरसन रिकमेंड करता है. इट्स अबाउट द गुलाग्स इन रशिया और कैसे वहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन कैंप वाले हालात हैं. यू नो टॉक्स द होल आइडिया अबाउट ह्यूमन मैलिस ट्रेजेडी, या आदमी कितना बुरा हो सकता है, कॉन्सेंट्रेशन कैंप वाला गार्ड कितना बुरा हो सकता है. बेसिकली वॉट ही इज ट्राइंग टू इम्प्लाई इन हिज वीडियोज इज टू यू नो गेट इन टच विद ह्यूमन ट्रेजेडी एंड लुक एट इट फेस इन द फेस, राइट. आई हैड नॉट रेड अ हैरोइंग अकाउंट ऑफ हार्ड लाइफ इन इंडिया, राइट, अनटिल आई रेड दिस बुक. और क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर, बिकॉज इट्स एन इंडियन राइटर, राइट, सो यू कैन एक्सपेक्ट नन ऑफ द रशियन जेडेडनेस. नो मैटर हाउ हार्ड दिस प्रोटैगनिस्ट लाइफ गेट्स, आई एम जंपिंग स्ट्रेट इन द बुक, देर इज अ वेनियर ऑफ एक्सेप्टेंस कि कोई बात नहीं. दिस इज अ वुमन हु इज मैरिड एट अ यंग एज टू अ मैन बिलो हर मीन्स इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया इन सम साउथ एशियन विलेज. वो अच्छे घर से आती है, वो अपने मिट्टी के हट अपने हाथ से बनाता है, उसको सिर्फ एक ही काम आता है. उसको खुद का भी लैंड नहीं है, ठीक है, उसका रेंटेड लैंड है, उस पर बस उसको वही काम करना आता है. वो उसको सिखाता है, उसको बच्चे देता है, धीरे धीरे उसके बच्चे बड़े होते हैं. बुक का स्टार्टिंग एकदम ऐसा मस्त है, एकदम यू नो लाइक कि बढ़िया हार्वेस्ट था. ओहो हम लोग घी भी खाते थे, दाल खाते थे, फिर चावल खाते थे, फिर क्या कहते हैं यू नो स्वीट मीट्स खाते थे, क्या क्या खाते थे, और टैमरिंड्स खाते थे, चिलीज, ऐसे ऐसे ऐसा लग रहा है तुम्हें लिटरली उस टाइम पे कि वो पोस्ट इंडिपेंडेंस की मिर्ची और खाना, बनाना लीफ, ऐसे तुम बैठ के खा रहे हो. वाह क्या बढ़िया. इट्स गोना बी अ फ्लावरी बुक, इट्स गोना बी अ ग्रेट बुक अबाउट क्वाइट पैस्टोरल लिविंग, बट द नेचर ऑफ लिविंग ऑफ द लैंड एज डिस्क्राइब्ड इन द बुक इज समथिंग अलॉन्ग द लाइन्स ऑफ यू गेट यूज टू स्टारवेशन, यू स्टार्ट getting used to the risk, the gamble that is living off the land. या तो फसल कटेगी अच्छी, नहीं तो इस साल हम लोग भूखे मरेंगे. ये खैर देश में तो होता ही रहता है, all across the world also, wherever there is an agrarian crisis, it's primarily this, because crops are unreliable. मेरे पापा एक you know मुहावरा अक्सर यूज़ करते हैं, बाबा या तो रेल में या जेल में, to describe high conflict businesses that have high risk and high rewards, right? तो इसके अंदर I wouldn't say it's high risk, but it's fucking grueling. बट ये ऐसा समय है ना कि वहाँ पे आदमी को ये तो नहीं है कि मैं कंटेंट क्रिएटर बन जाऊँगा या मैं कुछ ये कर लूँगा, चॉइस यही है. ऑल यू नो इज़ द लैंड, राइट, सो यू ऑलरेडी अ पैस्टोरल पर्सन. तो यू सी ग्रेजुअली इन द बुक जैसे जैसे उसके बच्चे पैदा होते हैं, फ्रॉम हर फर्स्ट डॉटर टू लाइक हर थर्ड और फोर्थ सन, कैसे कैसे द डिग्रीज ऑफ हंगर दे सी इन देयर लाइव्स, कि हम लोग दाल और चावल और एक और मच्छी से डेली सिर्फ मच्छी पे आ गए, मच्छी से फिर चावल पे आ गए, फिर चावल के पानी पे आ गए, अब हम लोग क्या करते हैं, एकदम पे ड्रॉट आ गया, तो अब हम सारे के सारे पत्ते खा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उल्टियाँ कर रहे हैं, पड़े हुए हैं सालों तक. दिस इज हैपनिंग फॉर ईयर्स, राइट, इन द स्मॉल विलेज इन साउथ इंडिया. एट द सेम टाइम एक टैनरी खुल गई. टैनरी वो होती है कि जहाँ पे यू नो एनिमल्स की स्किन कटती है और डिफरेंट चीज़ों में बनाने के लिए, जैसे पर्सेस, हैंडबैग्स वगैरह, वो आ गई है. ये जो प्रोटैगनिस्ट है फीमेल, इसको इस बात से बड़ी दिक्कत है क्योंकि उसको अपना गांव, अपना नेचर, अपना लाइक यू नो पूरी फार्म की वाइफ बड़ी पसंद आती है. बट शी सीज एवरीवन हु वर्क्स इन द टैनरी मेक्स अ फॉर्च्यून, देन शी हैज दिस थोड़ी एक एडमिरेशन, थोड़ी इन्फैचुएशन टुवर्ड्स दिस, हाउ डू आई से इट, बड़ा एक ग्रिम लुकिंग सा एक इंग्लिश डॉक्टर होता है जिसको इंडियंस के वेज समझ नहीं आते, फिर भी आके कभी कभी इनकी हेल्प कर देता है. पर किताब की कमाल बात यह कि आदमी सोचता है कि वाह यार हमारी फसल, आपकी जो ड्रीम्स होती है ना, लाइक हाउ योर लाइवलीहुड बिकम्स द बेसिस ऑफ योर लाइफ ट्रेजेडी, बट यू कीप एक्सेप्टिंग इट लाइक इट्स नथिंग. इनफैक्ट बीच के, उसकी किताब के बीच के अंदर द गाय कैनी इवन सेज कि बेंचों पर दिक्कत हो रही होती है तो कॉल फॉर हेल्प ना, तुम क्या अकेले अकेले अपने फेट को एक्सेप्ट करते रहते हो कि नहीं इस दर्द को भी निकल लेते हैं, इसको भी निकल लेते हैं, इसको भी निकल लेते हैं. व्हिच आई फाउंड फैसिनेटिंग, लाइक ऑलमोस्ट लाइक एन इनसाइट
into the minds of the extremely poor and the extremely starving at that time and even now. Okay? You just get, because your stomach is so hungry, you just get it bigger for tragedy. Matlab, I don't know how a better way to word it. But this woman goes through a lot. Ye bhi dikhate hain ki kis tarah she has to deal with other women, unke apne taur tareeke, how she's like just this girl. Then jo bhi neighbors hain, uske dost ban jate hain. It moves, it looks, but the scene kaisa hai? The setting is slow, but the action is fast. And everything becomes worse by the year. The entire book is worsening by the year and bang, crescendo. Ek achha ya bura, I won't tell you that. But the reason I, you know, put this book on my channel is because I think ki ek jo idea hota na ki yaar main kitab nahi pad sakta hu, ya mere ko kitab padhne mein dikkat hoti hai, 15 minute se nahi pad sakta, complicated English dictionary leke baithna padega. I don't think is kitab mein wo dikkat hogi. It's pretty straightforward and it's an experience almost everyone can relate to. Doesn't have a lot of technical descriptions, theek hai? It almost shows the pastoral mind, clean and free from extraneous baatein jo hoti hai na, faltu ke stimulus wagera. Bas ye ki hamare mere bacche theek hain, kya unhone khana khaya, is saal hum kaise jiyenge, hum hunger ka kya karenge. Acha, aur ye ek badi kamaal cheez hoti hai, this woman's husband, right? He's such an interesting character, man, because he doesn't leave his pride, then he gets fucked in the ass. He's getting so a huge part of his manhood is attached to the fact that he can provide for his children, and when he cannot, you can even see the rebellion in his sons as well. At one point, even his, I mean, fuck, main to mazaa spoiler nahi dunga. Look, my point is, like, read this book, it'll be a blast. I personally recommend, of all the books I recommend more than I actually end up reading, but इस किताब को इफ यू कैन डू रीड इट मोर देन एनीथिंग मेरे लिए तो एटलीस्ट इट लेफ्ट मी विद अ डीप सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड फॉर द पीपल हु वर बिफोर मी मेरे एंसेस्टर्स योर एंसेस्टर्स राइट नो मैटर व्हाट योर इकोनॉमिक सिचुएशन इन लाइफ इज आई एम प्रीटी श्योर 3 or 4 जनरेशन अगो और 5 जनरेशन अगो और 6 जनरेशन अगो योर एंसेस्टर्स एक्सपीरियंस सम काइंड ऑफ पॉवर्टी आई एम सेइंग ऑल द वे फ्रॉम कि यू नो 3 वक्त खाने की बजाय 1 वक्त से लेके death from hunger, any of those things. So it's remarkable hum in samay mein lete hain. Like, look, I've got this nice curtain, ye mic hai, tumhare paas phone hai, khana hai, you know, no one's gonna sleep hungry tonight. It's crazy, man, it's fucking crazy. This book puts a lot in perspective, and you know, Kamala Markandeya is a great writer. I wouldn't sell you on the story alone. I think the writing also, the way she handles the plot is great. So do read that book. And, you know, I'm trying this new video segment out where I just extrapolate on one book and see what that does. Not in a very, I don't do it like in a particularly detailed manner, but just like what my thoughts are on that, as raw as it gets. Agar is tarah ka content acha lag raha hai, toh bolo, yes bro, ye aur karo. Comments mein likho, yes bro, ye aur karo. Toh aisa scene hum aur karenge, theek hai? Like, share, subscribe. Shatir Kutta out.